से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह, शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फता, पाऊं मैं उस पर फता, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह, ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह, तेरी आराधना करते जी। तो हम खुश हैं कि आज फिर हम यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अभी तक हमको अपनी पनाह में रखा और अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। आज भी हमको ईश्वर यहाँ पर लेकर के आया है ताकि परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा को हम कैसे पहचान सकते हैं और पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, वो सब हमने सीखा है। आज हम सीखेंगे कि ये पवित्र आत्मा जो है, इसके जो ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आज दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सो आइए हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे साथ हो और हमको आशीषित करे, गाइड करे, ताकि जो भी कुछ हम उसके पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ढालने वाले हो सकें। क्योंकि जैसा लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना सबसे बड़ा पाप है और हम इस पाप से बचना चाहते हैं। इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम आपके सामने बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। क्या कभी आप सोचते हैं कि हम जो इस दुनिया के अंदर रहते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ पाप करते हैं? यस, हम शायद उस चीज़ का एहसास नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम बहुत सी बातें बोलते हैं। हमारा चलना फिरना उठना बैठना शायद ये ऐसा नहीं है जैसा कि पवित्र आत्मा हमसे चाहता है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर का रूप है जो कि आज हमारे बीच में रहता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध पाप किया जा सकता है। आपको हमने बताया था कि इसका एक अस्तित्व है कि वो हम उससे बातचीत कर सकते हैं, वो हमसे नाराज़ हो सकता है, हम उससे नाराज़ हो सकते हैं। जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा खेदित होता है, दुखित होता है। इसका मतलब ये है कि उसका भी कोई वजूद है, जैसा कि हमने आपको बताया था। सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध पाप किया जा सकता है। आइए हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में
उस पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ पाप होता रहे। इन पापों में से कुछ ऐसे पाप हैं जो कि संभवतः कभी भी माफ़ नहीं किए जा सकते। हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में सीखा है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनके लिए क्षमा है। अगर इंसान उनके लिए माफ़ी मांगता है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देता है, तो परमेश्वर उनको माफ़ करने के लिए तैयार रहता है, पवित्र आत्मा उनको माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कोई हम पाप करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है और परमेश्वर इससे खेदित होता है और उसका कोई क्षमा दान नहीं है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें सतर्क करना चाहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर आयरन साइड ने इसके बारे में बहुत खोजबीन की कि हम किस तरह से पवित्र आत्मा के खिलाफ़ बात करते हैं और पवित्र आत्मा को हम किस रूप में जो है खेदित करते हैं। उसके लिए कई चीज़ें जो हैं उन्होंने खोजबीन की, जिसमें यहाँ पर उन्होंने 7 पॉइंट्स के बारे में हमको बताया है, जो कि मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है मनुष्यों की परिकल्पना द्वारा ईश की निंदा। अजीजो, ईश कौन है? परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ईश है। और जब हम इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई बात करते हैं तो या परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो इससे परमेश्वर जो है खुश नहीं होता, पवित्र आत्मा जो है वो खेदित होता है और वो उसका पाप की क्षमा नहीं होती है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है। मत्ती उसका 12 बाप उसके 31 पद में इसके लिए लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। आपने देखा कि पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए आइए, हमको बड़ा सतर्क रहना है और परमेश्वर में इसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप असल में है क्या जिसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं? क्या चीज़ है वो? मरकुस उसका 3 बाप और 32-30 में लिखा है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु वहाँ के शास्त्रियों ने और फरीसियों ने क्या कहा कि ये जो अचंभित काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से ये जो है चंगाइयाँ दे रहा है। तो ये है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ काम जो करना है वही बड़ा पाप कहलाता है। अजीजो, हम शायद इसके लिए कई बार सोचते नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी में कहां पर किस तरह से पाप हो जाता है। हम शायद बुराइयों में लगे रहते हैं, किसी के खिलाफ हम गवाही देते हैं ये सब पाप हैं। चार्ल्स फिनले जो है बताते हैं यहां पर, जो एडमंड ने लिखा है, जो बातें परमेश्वर के कार्य के महत्व को बोलने या छापने द्वारा काम करती हैं उनसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। कई बार हम ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं या किसी के विरुद्ध ऐसे लेख लिख देते हैं जो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को अच्छे नहीं लगते और परमेश्वर का आत्मा जो है उससे शोकित होता है। कई बार हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम बड़ा अहम करते हैं, घमंड करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का घमंड क्यों ना हो, लेकिन घमंड परमेश्वर की निगाह में एक पाप कहलाता है। अजीजो, घमंड जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ बन जाता है, चाहे वो सुंदरता का घमंड हो, चाहे रुपए और पैसे का घमंड हो, चाहे ताकत का घमंड हो,
लेकिन घमंड जो है वो परमेश्वर को खुश नहीं करता और वो परमेश्वर के खिलाफ जाता है। अभिमान करना, किसी पे अपने आप को घमंड जो है करना, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इब्रानियों उसका 10:29 में लिखा है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहू के जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अजीजो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है जो कि हमको इसके बारे में बताता है कि हमें घमंड नहीं करना है, किसी का अपने ऊपर जो है गर्व नहीं करना है। बताता है अपमान अगर हम किसी का कर देते हैं, अपमान किस तरह से, सपोज आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो बड़े प्यार के साथ आपके पास आता है लेकिन आप उसका अपमान करते हैं, आपके घर में परमेश्वर का कोई जन आता है, आपके घर में पवित्र आत्मा का वास होता है और आप उसको इग्नोर करते हैं, ये उसका अपमान होता है। अजीजो, अपमान भी जो है एक पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। पवित्र आत्मा मसीह का प्रायश्चित रूप है जो कि हमारे सामने आता है। यदि पापी इस पर विश्वास करने से या इसे स्वीकार करने से इंकार करता है तो वह पवित्र आत्मा का अपमान करता है। अजीजो, हमको नहीं मालूम होता कि हम कहां पर कैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर हमारे ज़िंदगी में पवित्र आत्मा है तो हम ऐसी बुराइयों से जो है बचे रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करता चला जाएगा। ये मसीह की मृत्यु का एक साधारण बात समझना है, जैसे एक साधारण मनुष्य की मृत्यु है। यीशु ख्रीस्त के ईश्वरत्व और उसके लहू की बहुमूल्यता का इनकार करना है, पवित्र आत्मा की साक्षी का तिरस्कार करना ही एक पाप कहलाता है। अजीजो, हमें बहुत सतर्क रहना है ज़िंदगी में, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पर चारों तरफ शैतान ने अपना जाल बिछाया हुआ है, हर कदम पर वो जो है लोगों के बीच में काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार जो है बहुत अच्छी शांति होती है और बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर शैतान आता है और एक बलुआ पैदा कर देता है। कहीं पर बलुआ पैदा करना भी जो है वो भी पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता और पवित्र आत्मा उससे नाराज होता है, खेदित होता है और वो भी एक पाप गिना जाता है। यशाया उसका 63:10 में, उन्होंने बलुआ किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने, किसने बलुआ किया? आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा इसराइल के साथ था, वो उनको साथ साथ लिए फिरता था, लेकिन इसराइली लोग उसको महसूस भी करते थे, जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ काम करते चले गए। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस दिशा में जाओ, तुम ऐसा करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा जब मूसा पहाड़ पर गए तो थोड़ा सा वक्त उनको लग गया, तो ये जो लोग थे इसराइली, इन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा छोड़ करके और उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी जो है परस्तिश करने लगे। क्या इससे परमेश्वर का आत्मा खुश होगा? नहीं, परमेश्वर का आत्मा उससे खेदित होता है। अजीजो, हम ऐसे कई बार काम करते हैं जो कि परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं। उद्धार प्राप्त लोगों का की भयावहता पर विचार कीजिए कि विद्रोह कितनी बड़ी चीज़ है। ऐसे इसराइल ने भी जो है विद्रोह किया और वो भी लोग जो थे परमेश्वर से दूर होते चले गए। दूसरा एक और यहाँ पर बताया है कि अगर हम, चूँकि इंसान जो है पापी है, गुनहगार है, अगर वो अपने गुनाहों का इनकार नहीं करता, अगर वो अपने आप को ये महसूस नहीं करता कि मैं पापी हूँ, तो वो भी एक पाप गिना जाता है। अजीजो, अगर इंसान इस चीज़ को महसूस कर लेता है कि मैं पापी हूँ और अपने आप को परमेश्वर पवित्र आत्मा के
हाजिर कर देता है, उसके सामने अपने आप को ले आता है, तो परमेश्वर उस पर रहम कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने आप को पापी महसूस नहीं करता तो परमेश्वर का रहम उसके ऊपर नहीं होगा, ये बताया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर बताई है कि कई बार हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, परमेश्वर की आशीषें भी मिलती हैं, जो हम दुआ करते हैं वो हमारे लिए हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं और परमेश्वर को लान तान करते रहते हैं कि हमने ये सब कुछ किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमारी उस बात को पूरी नहीं कर रहा। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारी बड़ी जिज्ञासाएँ रहती हैं कि हम इससे और आगे बढ़ जाएँ, इससे और आगे बढ़ जाएँ, और उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए अजीज़ो, मेरा ये कहना है कि जो भी कुछ, जिस वक्त में भी हम हैं, जैसा भी हम हैं, उसके लिए परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए। जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसमें बड़ी शांति, इत्मीनान और तसल्ली होगी और उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष होगी। इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जीवन में जो स्थान वो हमें देता है और मसीह की देह में जो स्थान हमारे लिए निर्धारित है, उसको स्वीकार करने से इंकार करना और निरंतर शिकायत करते रहना, पवित्र आत्मा को धार्मिक निराधर्मी की सीमा तक खेदित कर देना है। इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और परमेश्वर के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा रखा है। क्योंकि कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारे से जो आगे हैं बहुत से लोग, हम उनको देख करके चलते हैं और हम ये नहीं देखते कि हमारे पीछे कितने लोग हैं जिनसे कि हम कितने अच्छे हैं। इसलिए उसके लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग आशीषें पाने पर भी बुड़बुड़ाते रहते हैं, जिसको जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। बार बार चेतावनी देने, प्रचार आशीषें, प्रचुर आशीषें और इसके साथ बहुतायत से प्रकाश और ज्ञान देने के उपरांत भी बुराई से चिपके रहना और पवित्र आत्मा की उपेक्षा करना निश्चय ही पवित्र आत्मा को खेदित करना है। अजीजो, हमारा काम पवित्र आत्मा को खेदित करना नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के लिए कोशिश करनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा को हम खुश करते रहें। कैसे खुश होगा? कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात को हम मानते रहें, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हम उसे जगह दें और वो जो हमें बताता है हम उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाएं। आप देखेंगे कि बड़े परमेश्वर की बड़ी आशीषें हमारी ज़िंदगी में जो है होंगी और परमेश्वर हमको उस राज्य के लिए तैयार करेगा जो कि वो गया है, जहाँ तैयार करने के लिए गया। आइए हम अमूल्य पवित्र आत्मा की वाणी सुने, अपने को समर्पित करके उसके आज्ञाकारी बने और उसे कभी खेदित ना करें। आइए हम अपनी इच्छा की हठधर्मी छोड़कर उस आशीष को स्वीकार करें जो वो हमें देना चाहता है। क्या आप इस चीज़ को एहसास करते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमको वो आशीषें देने के लिए तत्पर तैयार है? अजीजो, हम शायद महसूस नहीं करते, लेकिन परमपिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें वो आशीषें देने के लिए तत्पर तैयार है, बशर्ते हम उससे मांगें, हम उससे कहें, हम उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाएं हमारी सुन करके उनका जवाब देने के लिए हमको तैयार रहता है। तो ये है कि हम विश्वासी हो करके भी अविश्वास में हो जाते हैं। दोनों के लिए यहाँ पर बताया है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ विश्वासी भी और अविश्वासी भी दोनों गुनाह करते हैं, दोनों जो है पाप करते हैं, ताकि वो परमेश्वर से दूर होते चले जाएं। लेकिन परमेश्वर उनको चाहता है कि मेरे बच्चों, तुम दूर मत हो, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आशीष का हाथ रख सकूं। प्रेरितों के काम
उसका 7:50-51 पद में लिखा है, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादा भी करते रहे। अभी मैंने बताया था कि कहाँ पर बाप दादाओं ने वो उनका विरोध किया, इज़राइल ने, जबकि परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था, लेकिन इज़राइल परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करती रही और वो परमेश्वर से दूर होती चली गई। अजीजों, वैसे ही आज हम भी शायद परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर से कभी दूर ना हों बल्कि उसकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। बहुतायत आत्मा अंतकरण को उचित कार्य के लिए प्रेरित करता है, परंतु जब हम जानबूझकर उसकी अनुनय और मार्गदर्शन का विरोध करते हैं तो वास्तव में हम अपना अविश्वास प्रकट करते हैं कि हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, जिसने कि हमें हर तरह से महफूज रखा है और ख़ास तौर से उसने आज तक हमें जीवित रखा है ताकि हम उस परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ सकें और हम ये महसूस कर सकें कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमको परमेश्वर के पास जाना है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से आग्रह करेंगे, तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमें वो बर्बाद करना नहीं चाहता बल्कि हमको जीवन देना चाहता है। सो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें और उसको सौंप दें तो परमेश्वर हम पर रहम करेगा। यहाँ पर एक चेतावनी है, उत्पत्ति 6:3 में, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। बहुत समय तक प्रतिरोध करते रहने से परमेश्वर हमें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ सकता है, रोमियो उसका 1:14 में लिखा है। अजीजो, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो हमको आज आशीष दे रहा है, बरकतें दे रहा है, हमको बार बार चेतावनियाँ देता है कि जागो मेरे बच्चों। अगर हम नहीं जागते, अगर हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, तो लिखा है यहाँ पर कि वो हमेशा ऐसा कहता नहीं रहेगा बल्कि एक दिन आएगा कि वो हमसे दूर हो जाएगा, हमको हमारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा। यदि हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा का पूर्ण अधिकार होना है तो हमें सभी प्रतिरोध बंद करने होंगे और संपूर्ण अशुद्धता को बाहर निकालना होगा जिसने लंबे समय तक हमको दूषित रखा है। हमें अविश्वास को बाहर निकाल फेंकना होगा। अजीजो, अविश्वास हमको परमेश्वर से दूर करता है। हमें विश्वास करना है परमपिता परमेश्वर पर, क्योंकि वो महान है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो तैयार है। हम पापों में मर जाते लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमारी ज़िंदगी में कैसे भी पाप क्यों ना हो, परमपिता परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तुम्हारे पाप किरमिजी रंग के भी हों, यानी इतने गंदे हों कि धुलाए नहीं धुलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हवाले अपने आप को कर देते हैं तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे पापों को बिल्कुल ऐसा धो डालेगा जैसे कि बर्फ़ उज्जवल हो जाता है। हमारी ज़िंदगियां पापों से बच कर के ऐसे ही उज्जवल हो जाएंगी और कोई भी पाप हमारी ज़िंदगियों में नहीं रहेगा। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें और उनका अंगीकार करें और उनको परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें कि परमेश्वर हमारे पापों को तो क्षमा कर और हमें उससे मुक्त कर। आइए आज हम इस बात को यहाँ पर एंड करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दुआ करेंगे। मेरे साथ आप भी दुआ करें। आइए, परम पूज्य परमेश्वर, हमारे सृष्टि रचयिता, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि एक बार फिर हमने तेरे पवित्र आत्मा के बारे में जाना पहचाना और ये सीखा कि हम इस दुनिया में रह करके कई बार
ऐसे काम करते रहते हैं जो कि तुझे पसंद नहीं आते। प्रभु आज हम अपने आप को तेरे सामने अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे पापों को क्षमा कर और हमारी जिंदगियों को अच्छी और बेहतर बना, क्योंकि ये तमाम आशीष बरकतें प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।